एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या फिर आप बच्चों से डील करते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगे यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। ओके, आपने अक्सर अपने घर में अपने पेरेंट्स या फिर अपने सास ससुर से सुना होगा कि बच्चों को बिल्कुल भी ना नहीं बोलना है, ये बहुत ही स्पेशल है, इनकी तो हर डिमांड पूरी करनी है। और एज अ पेरेंट हम भी अपने आप से बच्चों को थोड़ा सा आगे रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं, लेकिन इससे बच्चों को दो बहुत बड़े नुकसान होते हैं। एक तो बच्चा कभी भी पेशेंस रखना नहीं सीखेगा और बच्चा कभी भी आपकी रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेगा। एक एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। मान लीजिए आप किचन में काम कर रहे हो, उस टाइम पे अगर बच्चा आपके पास आता है और बोलता है कि मम्मा अभी मेरे साथ खेलो या फिर क्रेयॉन से कलरिंग करो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको बच्चे को बोलना है कि बेटा 10 मिनट के लिए रुक जाओ, मम्मा अभी काम कर रहे हैं, 10 मिनट के बाद मम्मा आपके साथ जरूर से खेलेंगे या फिर क्रेयॉन से हम कलरिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चा एक तो वेट करना सीखेगा, पेशेंस रखना सीखेगा और बच्चे को ये फील होगा कि हाँ ये जो बाकी मेंबर है घर के, इनके भी काम होते हैं और वो आपके काम की रिस्पेक्ट करना, आपकी रिस्पेक्ट करना भी जरूर से सीखेगा। अगर आप उसी टाइम पे अपना काम छोड़ के बच्चे की डिमांड पूरी कर देते तो इससे क्या होगा कि बच्चे को ये फील होगा कि मैं ही सुपीरियर हूँ, मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मेरी तो हर डिमांड पूरी की जाती है और घर में बाकी जो मेंबर है उनके काम की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये गलती आपको अपनी पेरेंटिंग जर्नी में बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है लेकिन आपकी रिस्पेक्ट करना भी आपको बच्चे को जरूर से सिखाना है इस तरीके से। दूसरी चीज, बच्चे के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल नहीं रहना है, हर टाइम बच्चे के लिए अवेलेबल ना रहे, थोड़ा सा टाइम अपने आप के लिए भी जरूर से निकालें। तो अगर आप हर टाइम पे बच्चे के लिए अवेलेबल रहते हो तो इससे क्या होगा कि ये जो छोटी छोटी बच्चों की लाइफ की जो स्ट्रगल होती है, जैसे कि बॉटल के ऊपर की कैप निकालना, टॉयलेट सीट को यूज करना, सिंक तक पहुंचना, ये सारी चीजों के लिए भी बच्चा खुद से कोशिश नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है मम्मा है ना। तो ये जो बच्चों की लाइफ की छोटी छोटी जो स्ट्रगल होती है वो उनको खुद से करने दे, थोड़े टाइम के लिए बच्चों से दूर जरूर से हो जाए ताकि वो इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट करे। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि बच्चों को रिश्वत देना बहुत गलत बात है। मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ रिश्वत वर्ड यूज करना बेशक गलत है लेकिन इसके बजाय आप बच्चों को बोल सकते हो कि बेटा आपको इनाम दिया जाएगा या फिर आपको इंसेंटिव मिलेगा। ये जो चीजें होती है वो आपकी पेरेंटिंग जर्नी को ईजी बनाने में आपकी काफी मदद करेगी। जैसे कि बच्चा अगर आपका होमवर्क नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आप बच्चे को बोल सकते हो कि बेटा आप इस टाइम तक अगर आप होमवर्क कर लेते हो तो इसके बाद 15 मिनट और आपको खेलने के लिए मिलेगी या फिर मैं खुद आपके साथ आधे घंटे के लिए खेलूंगी। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जल्दी से अपना होमवर्क करने के लिए मोटिवेट होगा क्योंकि उसको पता है कि उसके बाद उसको खेलने के लिए मिलेगा या फिर मम्मा उनके साथ खेलेगी। आपको कभी भी मटेरियलिस्टिक चीजें जैसे कि होमवर्क के बाद आपने चॉकलेट्स दे दी या फिर कोई टॉयज लाकर के दे दिया तो वो बेशक गलत होता है क्योंकि ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है इससे बच्चों का मन कभी भी भरता नहीं है, वो और चीजें डिमांड करता रहेगा। तो ये बेशक गलत होगा लेकिन आप सही तरीके से इंसेंटिव का यूज करते हो जैसे कि अपना टाइम लेना या फिर खेलने के लिए ज्यादा टाइम लेना या फिर बच्चे को बाहर खेलने के लिए भेजना, तो ये जो चीजें होती है वो काफी हद तक काम करती है। तो ब्राइब्स जो होती है वो हमेशा गलत नहीं होती है, आपको सही तरीके से उसको यूज करना आना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि बच्चों का सक्सेस या फिर बच्चों का फेलियर हमेशा आपका सक्सेस या आपका फेलियर नहीं होता है। हम पेरेंट की एक आदत होती है कि बच्चों के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है। बिल्कुल बेशक आपको बच्चे को सिखाना है क्या सही है क्या गलत है, अपने बच्चे की परवरिश में आपको पूरा अपना 100% देना है, लेकिन फिर भी लाइफ में अगर कहीं बच्चा फेल होता है तो ये आपकी गलती बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्स में फेल होना एक अलग बात है लेकिन लाइफ में बच्चे को अगर कहीं पे फेलियर का सामना करना पड़ रहा है तो
भी आपकी वजह से बिल्कुल नहीं है, आपको खुद को ब्लेम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूर से यूजफुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख सकते हो। आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।